डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 है, क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ का बुक है और ये एलजेब्रिक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब होता है सिंगल टर्म। यहाँ पे सिंगल टर्म दिया हुआ है, इसके बाद कॉमा दिया हुआ है, फिर यहाँ दिया हुआ है, तो सिंगल टर्म्स दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये लाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए ऑलरेडी पहले बतला दिया गया है, वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना है और सारे इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वॉल्यूम या क्यूबाइड का वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इन तीनों में मल्टीप्लाई होता है, तो तीनों को जो टर्म दिया हुआ रहता है वो तीनों को मल्टीप्लाई कर देने पर जो आएगा वही उसका आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है इस तरह से टेबल बना के, और स्क्वायर का जो उसका एरिया निकालने का रहता है तो उसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। स्क्वायर का, स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होता है, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में यहाँ दिया हुआ है, देखिए रेक्टेंगल द गिवेन लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल में दोनों साइड को लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, तो जो मल्टीप्लाई आता है तो वो उसका आंसर हो जाता है। इस तरह से करके दिखाया गया है, ठीक है, कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, 3x 5y, तो ये वेरिएबल डिफरेंट है, एक्स वाई रहेगा इसके साथ, देखिए एक्स वाई है और नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15 हो गया इस तरह से। और अगर सेम वेरिएबल रहता है तो उसमें क्या होगा, उसका संख्या बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, जेड है, एक्स वाई, इसमें एक्स वाई दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्स वाई हो गया, यहाँ पे दो दो हो गया और यहाँ पे तीन तीन हो गया, तो मतलब एक्स कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ 2 5 हो गया, 5 और यहाँ पे 1 6 हो गया, मतलब x पर पावर 6 होगा। लास्ट में जो है इसका आंसर x पर पावर 6 कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे है x पर पावर 6 और y पर भी पावर 6, और बाकी ये नंबर को जो मल्टीप्लाई कर दिया गया है 120 है इस तरह से। चलिए, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, हम इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन पेज पर चलकर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट में ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर का ले लिए, कितना दिया हुआ है, 4 और 7p, 7 जो है इसमें वेरिएबल है, 4 में वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल p जो है वो उसके साथ रहेगा जो मल्टीप्लाई होकर आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 7p, 7 4 कितना हो गया, 28 और इसके साथ p रहेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मोनोमियल है, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, सिंगल टर्म माइनस p है, -4p, कॉमा दिया हुआ है, 7p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 7 और पी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, p मल्टीप्लाई p, ये हो गया 7 4 28 हो गया और पी 2 ठो हो गया, ये माइनस में आएगा, -28 पी जो है स्क्वायर हो जाएगा, डबल पी हो गया, पी पर पावर 2 p² ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, -4p और एक टर्म है 7pq इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें पी जो है, पी और ये अलग अलग है, पी मल्टीप्लाई पी क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू इस तरह से है। 4 7 कितना हो गया, 28
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 28 पी स्क्वायर हो जाएगा, पी डबल हो रहा है, पी स्क्वायर क्यू, और ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर पी पर फोर पी क्यू और थ्री पी इक्वल टू फोर प्लस में है, थ्री भी प्लस में है, आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई पी क्यू मल्टीप्लाई पी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पी पी पी, तीन बार लिखना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू फोर थ्री जो ट्वेल्व हो गया, प्लस में ही रहेगा, ये क्या है, नहीं यहाँ पे फोर्थ नंबर में माइनस में है, ध्यान देना होगा इसमें माइनस लगा देना होगा, हो गया फोर थ्री जो ट्वेल्व हो गया, माइनस ट्वेल्व पी पर पावर फोर हो जाएगा, चार बार पी आ रहा है, पावर फोर, ये आंसर हो जाएगा। एक लास्ट बच गया फिफ्थ नंबर का, चलिए यहाँ पे हम जगह बनाते हुए इसको बनाएंगे, फोर पी दिया हुआ है, फोर पी जीरो, यहाँ पे किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए फोर पी तो उसमें जीरो आता है, मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टू नंबर का, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेथ्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो आप लोगों को पता होगा रेक्टेंगल का एरिया, एक बार हम फॉर्मूला इसमें लिखेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा एल इंटू बी, और सभी में यही होगा एल इंटू बी, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, उसके बाद दिया हुआ है टेन एम टेन एम फाइव एन, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू पिछला क्वेश्चन जैसा हमने बनाया था वैसे ही हम इसको नंबर टू नंबर कर देते हैं और वेरिएबल टू वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे टेन मल्टीप्लाई फाइव हो गया, और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई एम दिया हुआ है, दोनों अलग वेरिएबल है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिफ्टी हो गया यहाँ पे, टेन फाइव जो फिफ्टी, और ये लिखा जाएगा एम एन, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे टू हो गया थ्री नंबर, ये थर्ड नंबर में ट्वेंटी एक्स स्क्वायर फाइव वाई स्क्वायर फाइव वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी मल्टीप्लाई फाइव एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों ही अलग वेरिएबल है इसलिए आपस में मल्टीप्लाई वेरिएबल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 जो 100 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट में दिया हुआ 4x 3x स्क्वायर 4x कोमा और 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसमें क्या हो जाएगा फोर थ्री फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स है और फोर के साथ एक्स है और थ्री के साथ एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फोर थ्री जो ट्वेल्व हो गया एक्स,
ये x मिलके दोनों वेरिएबल एक ही जैसा है तो x पर पावर q हो जाएगा, x पर पावर q, और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बच गया हुआ है ये वाला है ना, इसमें जगह थोड़ा सा बना लेते हैं हम, इसको नोट डाउन आप लोग कर लेंगे। कितना दिया हुआ है 3 mn, 3 mn मल्टीप्लाई 4 np, मल्टीप्लाई नहीं कॉमा है, 4 np। देखिए यहाँ पे 3 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 3 × 4 मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एन एन यहाँ पे और यहाँ पे एन पी मल्टीप्लाई, फिर से एक एन है और एक पी है, कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 हो गया। एम एक ही तो है, एम देंगे एन दो है, एन स्क्वायर पी, और यही इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला का। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर का, और यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसको फर्स्ट नॉमिनल सेकेंड नॉमिनल इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, इस तरह से एरो दिया हुआ है। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भरना है, फिल करना है। इसको मैंने स्क्रीन के लाइक कर लिया, देखिए यहाँ पे इसको अगर और बड़ा होता है थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, और क्योंकि स्क्रीन में आना भी चाहिए। चलिए यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये तो पहले भरा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखते हैं 5 × 2 = 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे -10 होगा। यहाँ पे स्क्रीन इसको डार्क कर लेते हैं, -10 वेरिएबल अगर इसका मैच कर रहा है तो फिर क्या हो गया, एक्स वाई है, अलग अलग है, तो यहाँ पे एक्स होगा और वाई भी होगा, एक्स वाई। यहाँ पे क्या होगा 3 × 2 = 6 हो गया, एक्स क्यू होगा, 6xq ये होगा। माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है, 4 × 2 = 8 -8 होगा, यहाँ पे -8, और वेरिएबल है एक्स वाई एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डबल एक्स हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा वाई। 7 × 2 = 14 हो गया, और एक्स क्यू वाई ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 9 × 2 = 18, लेकिन माइनस में होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पे 18 हो गया, और क्या होने वाला है एक्स क्यू होगा, एक्स टू यहाँ पे है और 1 वहाँ पे है, एक्स क्यू मतलब एक्स पर पावर 3 हो गया और वाई स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे 5 × 2 = 10, लेकिन -10 होगा, माइनस में है, -10 एक्स वाई 5 × 5 = 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 सिर्फ रहेगा, 25, और वेरिएबल में आ जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे 4 × 5 = 20 प्लस में होगा, दोनों जगह माइनस है, यहाँ 20 हो गया, और यहाँ पे एक्स है, एक्स वाई डबल हो जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे 7 × 5 = 35 माइनस में होगा 35, और हो जाएगा वाई पर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स पर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 × 5 = 45 प्लस में होगा, दोनों जगह माइनस है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई पर हो जाएगा पावर 3 क्यू हो जाएगा। यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो गया, एक्स क्यू ये हो गया, 5 × 3 = 15 -15 5 × 3 = 15 -15 हो गया, और एक्स स्क्वायर वाई एक्स का स्क्वायर वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस में होगा 9x
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स पर पावर फोर हो जाएगा। फोर थ्री जै ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व क्या हो जाएगा, एक्स क्यू वाई, एक्स थ्री बार हो जाएगा, पावर थ्री और वाई हो जाएगा। यहाँ पे जो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, प्लस में हो जाएगा वेरिएबल एक्स पर पावर, यहाँ पे डबल एक्स है और यहाँ भी डबल एक्स है, एक्स पर पावर फोर, एक्स पर पावर फोर और वाई। यहाँ हो जाएगा नाइन थ्री जा सत्ताईस, माइनस ट्वेंटी सेवन, माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स पर पावर फोर, एक्स पर पावर फोर वाई स्क्वायर। फोर टू जा एट हो गया माइनस एट, एक्स पर पावर एक्स, एक्स ओनली एक्स है तो एक्स पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्स है वहाँ एक एक्स और वाई हो जाएगा। फाइव फोर जा ट्वेंटी, प्लस में होगा ट्वेंटी एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे थ्री फोर जा ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व एक्स वाई है और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स पर पावर एक्स क्यू हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वाई। फोर फोर जा सिक्सटीन, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स वाई, एक्स वाई मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, माइनस में रहेगा, माइनस ट्वेंटी एट और क्या हो जाएगा, एक्स वाई है और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, प्लस में होगा थर्टी सिक्स और एक्स टू वन थ्री, एक्स क्यू और वाई क्यू। यहाँ पे हो गया सेवन टू जब फोर्टीन, सेवन टू जब फोर्टीन हो गया एक्स क्यू वाई सिंगल है। सेवन फाइव जब थर्टी फाइव, माइनस थर्टी फाइव होगा, थर्टी फाइव वाई वहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा थ्री सेवन जा, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, प्लस में होगा ट्वेंटी वन और वेरिएबल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स पर पावर फोर हो जाएगा, एक्स पर पावर फोर वाई और यहाँ पे सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, माइनस में आएगा, माइनस ट्वेंटी एट एक्स वाई, यहाँ पे एक्स है तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर। सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, प्लस में होगा फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सेम वेरिएबल है तो एक्स पर पावर फोर हो जाएगा, एक्स पर पावर फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री, लेकिन माइनस में होगा सिक्सटी थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर फोर हो जाएगा, एक्स पर पावर फोर वाई क्यू हो जाएगा, वाई क्यू लास्ट लाइन है। और नाइन टू जा एट्टीन, माइनस में होगा
एक्स क्यू वाई स्क्वायर, नाइन फाइव या 45 प्लस में होगा, दोनों जगह माइनस है, और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई क्यू यहाँ पे 93 जा 27 माइनस में होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 27। वेरिएबल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 और वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर 94 जा 36 प्लस में हो जाएगा, दोनों जगह माइनस है 36 और एक्स यहाँ एक एक एक्स वाई है और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है, तो एक्स क्यू वाई क्यू एक्स क्यू वाई क्यू ये हो गया 79 जा 63 लेकिन माइनस में 63। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 और वाई पर पावर वाई क्यू हो जाएगा, एक्स पर पावर 3 वाई क्यू। लास्ट है 99 जा 81, 9 प्लस में होगा 81, दोनों जगह माइनस है, एक्स स्क्वायर मतलब दोनों जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स पर पावर 4 और दोनों जगह एक्स वाई स्क्वायर तो वाई पर पावर 4। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।